गुड इवनिंग एवरीवान हाउ यू ऑल बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब सो एम आई लाइव और नॉट लेट मी जस्ट चेक इट आउट देखते हैं कि लाइव हुए हैं या नहीं जस्ट अ मिनट बेटा आई थिंक आई एम लाइव ओके ओके ऑल राइट सो गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग 9:15 पे स्टार्ट होनी थी बट हाँ थोड़ा सा डिले हो गया अभी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों तो ये जो सेशन है ये आप सभी को पता है कि एन सीरीज़ की शुरुआत हो रही है जितने बच्चे जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए या फिर आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेटा ये सीरीज मैंने स्पेशली डिज़ाइन की है इसमें एन को पूरा निचोड़ दिया जाएगा आपको शॉर्ट वे में एन कवर कराई जाएगी आप सभी बच्चों के लिए अभी मैं बताता हूं इस पूरे चैप्टर को कैसे ब्रेक किया गया है आपको पता है कि चैप्टर को अगर बिल्कुल आप शुरुआत में इंडेक्स में जाके देखोगे आपको पूरा का पूरा 1.1 1.2 1.3 स्टार्टिंग से लेके बेटा 1.15 तक पूरा चैप्टर आपका कवर हो रहा है तो इस सेशन इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए हम तीन सेशन लेने वाले हैं इस सेशन में 1.5 तक हम पूरा कवर कर देंगे और अगले सेशन में फिर 1.10 और अगले वाले में 1.15 तो आपका पूरा का पूरा का पार्ट बेटा खत्म होगा तीन सेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं सेशन को लाइक जरूर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही साथ अपनी लर्निंग को इस चैनल के साथ मेरे साथ अच्छे से आप सभी बच्चे कर सकते हैं सो हेलो सर हेलो बेटा धीरज संजना दीक्षांत अभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे तो आ जाने देते हैं है ना तो जब तक बच्चे आते हैं फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं माय नेम इज रोहित मेहता आप देख रहे हैं डी कोड नीट चैनल और इसी चैनल पे आपको मैं फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करता हूं आपकी लर्निंग लर्निंग के अंदर ठीक है साथ ही में बच्चों फिजिक्स को एक छोटे से मंत्र के साथ आपको पढ़ना होगा वो मंत्र है हमारा फिजिक्स uh, मतलब एक तरीके से आप बोलेंगे फिजिक्स है तो मत छाएंगे इस मंत्र को हमेशा याद रखिए क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाता है छोटा सा मंत्र आपको जब भी फिजिक्स पढ़ने के लिए आप जाते हो जरूर से बोले तो आपका मन करने लगेगा काफी नीट एस्पिरेंट है जो फिजिक्स को ही पहले दूर से कर देते हैं मन नहीं करता और थोड़ा सा वो इग्नोर करते हैं क्योंकि जो चीज आप इग्नोर करते हो वो आपकी वीक बन जाती है अगर आप फिजिक्स को थोड़ा टाइम दोगे आप थोड़ा उसको समझोगे आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होने हो जाएगी राइट तो इसी मंत्र के साथ आप अपनी पढ़ाई शुरू करा करें साथ ही में बच्चों में आपको कहना चाहूंगा कि इस चैनल पे जितने सेशन होते हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक टेलीग्राम ग्रुप से पहुंचते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा तो बच्चा इस पे देखिए अभी 9657 स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं आप भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं सर आज लेट है <laughs> कोई बात नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं अभी मैंने लिंक भी भेजा है काफी बच्चे आएंगे अभी धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे जल्दी जल्दी आ जाइए तो अभी तो सात बच्चे मुझे दिख रहे हैं कोई बात नहीं तो सबसे पहले बच्चों आपको इंस्टॉल कर लो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप जैसे ही आप, आप इंस्टॉल करेंगे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक अकाउंट फ्री में क्रिएट करना होगा तो जो अकाउंट बनाते हैं बहुत सिंपल तरीका है आपको अपना नेम डालना है अपनी ईमेल आईडी डालनी है और बेटा अपना स्टेट चूज करना है जैसे ही आप ये तीनों काम करेंगे कंटिन्यू करेंगे आपका फ्री अकाउंट बन जाएगा अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पहले बेटा प्ले स्टोर पर एनअकैडमी को सर्च कर सकते हो आप आप एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईफोन यूजर आप सभी के लिए बेटा ये आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलती है इसके बाद आप मेरी प्रोफाइल को ढूंढ सकते हैं रोहित मेहता के नाम से मिल जाएगी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि जो भी सेशन में लेता हूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं और बच्चों आप मेरा कोड यूज करके ऐप के ऊपर मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं जितनी भी क्लासेस मैं स्पेशल क्लास में कंडक्ट करता हूँ तो अब मेरा कोड बच्चों है रोहित जीरो वन आप इस कोड के मदद से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं मेरे साथ जिसको अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपकी नीट की तैयारी हो या जे या बोर्ड आप तीनों में देखोगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें काफी ऐसी बातें बोली गई हैं जो कि एग्जैक्टली exactly एग्जाम में पूछी भी गई हैं और पूछी जाएंगी तो आप एनसीआर को मेरे तरीके से मेरे नजरिए से पढ़िए तो मैं कुछ चीजों को एलिमिनेट करके मेन मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर दूंगा उनको जरूर पढ़ना उनको आप दिमाग में रखना ताकि जब भी एनसीआर रीड करो वो पॉइंट्स हाईलाइटेड आप देख जरूर लें तो आपकी एनसीआर रिवाइज होगी बच्चों आप मेरे सेशंस को फॉलो कर सकते हो ऐप के ऊपर है ना और अगर आपको लगता है कि सर तैयारी को एक और नेक्स्ट लेवल से करना है जैसे काफी स्टूडेंट कर रहे हैं मेरे काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी कंपनी और उन्हीं की तरह अपनी प्रिपरेशन भी एक नेक्स्ट लेवल से करना चाहते हैं तो आपको मैं कहूंगा कि अन अकेडमी प्लस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इस पे बच्चों आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं लाइव क्लासेस पढ़ाते हुए आपको वन टू वन इंट्रैक्शन मिलता है आपको टीचर का फेस टाइम मिलता है आपके टीचर सामने होता है बिल्कुल आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं इवन आप अपने क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं साथ ही साथ आप बाद में बेटा ऐप के ऊपर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे अपने डाउट्स टीचर्स तक भेज सकते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिलते हैं साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट देने का मौका होगा तो बेटा ऐप पे प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मूव है आपका इसी के साथ बच्चों नीट 2023 के लिए अभी काफ़ी नए नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो रिसेंट में ऑफ तो जून को बेटा ये बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर तो इस बैच में काफी अमेजिंग एजुकेटर्स हैं आप ऐप के ऊपर पहले जाते हैं तो इनकी क्लासेस भी देख सकते हैं आप उनसे फिर कनेक्ट करने के लिए इस कोर्स में बेटा ज्वाइन हो सकते हैं राइट तो ये अन अकेडमी ही पॉसिबल कर पाया है कि हर अच्छे टीचर का एक्सेस आप तक मिल पाए तो इस प्लस प्लेटफॉर्म पे जितने भी अमेजिंग एजुकेटर्स हैं आप उनसे मिलके अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं तो बेटा एक और बैच स्टार्ट हुआ है दिशा बैच और एक नीट फॉर बिगनर्स बैच स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए तो आपको जिस बैच में अच्छा लगता है उसमें आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं अब बेटा जब आप प्लस के लिए जाएंगे तो वहां पे एक स्क्रीन आपको इस तरीके से दिखेगी आपको यहां पे ऑप्शन मिलता है कि सिक्स मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स एटीन या ट्वेंटी फोर किसी एक ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा तो आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम है अगर आपके पास एक साल है या दो साल है कंप्लीट तो मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि उस ड्यूरेशन में आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे से कर सकते हो लेकिन अगर कोई शॉर्ट टाइम में करना चाहता है तो बेटा वो भी ले सकता है तो यहां पे वन ईयर और टू ईयर के लिए जब भी आप जाएं बेटा आप ना यहां पे कोड लगा लेना दैट इज रोहित जीरो वन जैसे आप इस कोड को एंटर करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ टेन मिलता है तो इस डिस्काउंट के साथ आप ज्वाइन करना विदाउट डिस्काउंट मत ज्वाइन करना ठीक है तो बेनिफिट लेना और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप आना चाहते हैं तो बेटा उसके लिए भी आपको यही कोड यूज करना होगा आइकॉनिक क्या है काफी बच्चे पूछ रहे हैं तो बेटा आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपके कनेक्ट में आता है अब आपसे जब मेंटोर कनेक्ट करता है तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कभी कभार आपको लगता है कि हमारी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो रही है सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है टाइम वेस्ट हो रहा है आप सब कुछ बेटा इनसे डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से मोटिवेटेड रहा जाए अपनी खुद की तैयारी को बेस्ट किया जाए तो ये मेंटोर आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना तो बेटा आपको यहां पर कोड यूज करके ज्वाइन कर लेना है अन का आइकॉनिक प्लेटफॉर्म राइट और काफी स्टूडेंट्स को ये भी रहता है सर मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूं सर मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आपको मैं कहूंगा कि बेटा ये टेस्ट संडे को जरूर देना चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो क्योंकि अगर इस टेस्ट में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आपको डिस्काउंटेड अमाउंट पे या फिर बिल्कुल फ्री में मिलने का आपके पास एक मौका है तो जब भी बेटा अन अकेडमी कॉम्बैक्ट को आप देते हैं कहां पे देना है तो ये आपके ऊपर टेस्ट सेक्शन में जाके ही आपको देना होगा इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रोहित जीरो वन इससे आप बेटा एनरोल कर सकते हैं तो आई थिंक ओके तो यही पार्ट यहां तक का था इसके बाद हम एनसीआरटी स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी आ चुके हैं सेशन में Uh, कब से वेट कर रही थी ऑल राइट right. तो मुझे दिख रहा है अभी स्टूडेंट्स आ गए हैं और भी जल्दी से आ जाइए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जल्दी से, से सेशन को क्योंकि एक छोटा सा काम है आप शेयर करेंगे डेफिनेटली उन बच्चों की भी हेल्प होगी जो बच्चे एन से दूर भागते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते एन और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ एन को ढंग से पढ़ा आपके बहुत से कॉन्सेप्ट बेटा सिंपल तरीके से यहां से ही स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि इसको ही हम इग्नोर कर रहे हैं चलिए बच्चा तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की मैंने बोला 1.1 से 1.5 तक इस सेशन में हम पूरा पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में तो आपको ना कुछ ऐसी चीजें मैं एलिमिनेट कर दूंगा जिनको आप जिन पे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ चीजों के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ मेरा वीडियो देख लेना चलिए सबसे पहले बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पे इंट्रोडक्शन आपको दिया है इस पूरे चैप्टर का तो इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इट इज टोटली अपॉन यू यहां सिर्फ यही बताया गया है कि जब आप स्वेटर उतारते हो तो आपको एक आवाज़ आती है स्पार्कलिंग की ठीक है और काफ़ी ऐसे आपके कहते हैं ना कि जैसे गारमेंट्स में से लेडीज गारमेंट्स में से जहाँ पे पॉलिस्टर सारी है वहाँ पे भी बेटा कुछ आपको ऐसी कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे आप कह सकते हो कि सर आ, अगर देखा जाए जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं स्वेटर होते हैं इनमें क्रैकल की वॉइस आती है तो इसके पीछे रीजन क्या है तो बेटा ये सब रीजन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है तो आपको ना बस इसको चाहे तो एक बार रीड कर लेना एक इंट्रो के लिए बस बोला गया है तो यहां तक बेटा जितना भी पार्ट है आप चाहो तो इसको रीड कर लो चाहो तो इसको छोड़ दो क्योंकि वही सब है बस आपको समझाने के लिए बताया गया मेन पॉइंट बेटा इसका लाइक करता है लास्ट लाइन में बोला क्या गया देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस तो आपको बस यही लाइन को समझना है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम चैप्टर का नाम है आप कहेंगे सर किसको डील करेंगे आप फोर्सेस को फील्ड को पोटेंशियल को जो किससे डेवलप होंगे स्टैटिक चार्ज मतलब रुके हुए चार्ज से ठीक है तो रुके हुए चार्ज के आसपास कितनी फील्ड है कितना उसका पोटेंशियल है और बेटा यहां पे आप बोलेंगे कितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो सब इस पूरे चैप्टर में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं अब बेटा सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है ये आता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर आप बात करोगे देखो आपको पहले हिस्ट्री वगैरह बता रखी है चाहे तो आप पढ़ लेना आपको अच्छा लगेगी सर इलेक्ट्रॉन को हम एम्बर भी कहते हैं है ना रीड करना चाहो तो कर लेना बाकी इसमें कुछ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है रेलिवेंसी बेटा यहां से शुरू होगी ठीक है एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है इस डायग्राम को देख के बहुत से बच्चे चकरा जाते हैं क्योंकि वो याद करने की कोशिश करते हैं कि सर इसमें देखो क्या हो रहा है पहले तो वो दिखाते हैं देखो बेटा पे हो क्या रहा है एक्चुअल में आपको ना यहां पे बोला जाएगा कि ग्लास रॉड और वूल को बेटा क्या करेंगे यहां पे आपस में रब करेंगे ग्लास रॉड को ग्लास रॉड को वूल के साथ और प्लास्टिक रॉड को बेटा कैट की फर के साथ मतलब बिल्ली घर में घूम रही है बिल्ली को पकड़ो रब कर दो किससे प्लास्टिक की रॉड से तो आप कहेंगे सर बिल्ली परेशान हो गई है लेकिन हमें यहां एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तो बच्चे बताए याद करते रहते हैं किस पे पॉजिटिव आएगा अच्छा बिल्ली पे पॉजिटिव आएगा अच्छा प्लास्टिक पे नेगेटिव आएगा कैसे याद याद करें सर उसके लिए भी आपको टेक्निक बताएंगे ठीक है तो आप इससे याद कर लेना तो देखिए आपको यहां पे ग्लास रॉड को बेटा रब करना होता है है ना और आप कहते हो किससे रब करते हैं सिल्क के साथ सिल्क के साथ या वूल के साथ और दूसरा बच्चों यहां पर आता है आपका यहां पर आ जाते हैं इसके बाद आपका प्लास्टिक रॉड तो देखिए प्लास्टिक रॉड को बेटा आप क्या कर सकते हो कैट्स फर से क्या कर सकते हो रब कर सकते हो सो so बेसिकली ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझते हैं तो मैं आपको जो बातें बताऊंगा आप चाहे तो इसको रीड कर लेना चाहे मत करना क्योंकि आपको वो सब एक्सप्लेन में यहीं पे कर दूंगा तो आपके लिए ये जो पार्ट देखो यहां तक का है इससे पहले तक के पार्ट में तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है देखिए ये वाला जो पार्ट है ना ये स्टार्टिंग वाला ये तो आप चाहे तो इग्नोर कर दो ठीक है मैं इसके नीचे ऐसे कट कर देता हूं तो आप यहां तक का पार्ट तो पूरा इग्नोर ही कर सकते हो इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन बेटा ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है यहां पे आपको बेटा ये डायग्राम में क्या दिख रहा है एक ग्लास की रॉड दिख रही है इन्होंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि यहां पे ना जब चार्ज को बेटा किसी ने जाना ही नहीं था हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो जब जब दुनिया में आए लोग तब उन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया कैसे डिस्कवर किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो एक्सपेरिमेंट्स बेटा यहां पे शो किए गए हैं ध्यान से देखिए आप कहेंगे सर कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये यह? यहां पर देखिए हम क्या करते हैं अगर बेटा किसी ग्लास रॉड को किसी वूल के साथ अगर रब कर दिया जाए मैं आपको याद कराता हूं आप भूलेंगे भूलोगे नहीं किस पे पॉजिटिव पे नेगेटिव आता है ध्यान से सुनना हमेशा याद रखो एक चीज आपको ना ये सुनने को मिलेगा अच्छा ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं या फिर किसी वूल से रब करते हैं तो बेसिकली ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाती है वो नेगेटिव हो जाता है फिर आप उसको मेमोराइज करते हो आपको सबसे पहले ये सिंपल याद रखना है जब भी ग्लास रॉड की बात होगी तो बेटा ग्लास कैसा होगा पॉजिटिव मतलब ग्लास रॉड को दिमाग में रख लो पहले याद कर सकते हो सोच सकते हो ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिव होती है दूसरा कभी भी आपको प्लास्टिक रॉड दिया जाए तो क्या याद रखोगे नेगेटिव बात खत्म अब तुम प्लास्टिक रॉड से कैट फर को क्या करोगे रब करोगे तो कैट फर कैसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर ये नेगेटिव है तो कैट फर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव सिंपल बात अगर आप कहते हो सर मेरे पास ग्लास रॉड है अगर ये पॉजिटिव है तो सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा नेगेटिव सिंपल बात तो बेसिकली तुम्हें किसको याद करना है अब बच्चे कहेंगे सर ये भी याद नहीं होता तो एक बहुत सिंपल तरीका है बस तुम इन दो को याद कर लो तो प्लास्टिक देखो फ्यूचर में क्या होगा आपको पता है प्लास्टिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नॉन रिसाइकलेबल है दैट इज अ बैड थिंग तो बैड के लिए हम क्या यूज करते हैं नेगेटिव टर्म्स राइट और पॉजिटिव हम ग्लास के लिए यूज कर रहे हैं तो एक दिमाग में रखने के लिए भी ईजी है तो इससे बेटा आपको ये याद हो जाता है कि इस पर कैसा चार्ज होता है अब इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में हो क्या रहा है आप देखेंगे कि जब हम एक ग्लास रॉड को एक और ग्लास रॉड से लाते हैं पास में तो क्या होता है बेटा इनके बीच में रिपल्शन होता है और आप देखेंगे सर एक प्लास्टिक रॉड को एक प्लास्टिक रॉड के पास में लाएंगे तो इनमें भी रिपल्शन होगा और यहां पर आप बोलेंगे जब एक ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास में लाएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा तो बेसिक बेसिक तुम्हें यह दिखेगा कि दो तरीके का नेचर चार्ज शो कर रहा है यहां पर जब इन पे चार्ज आता है तो आप कहेंगे सर वो चार्ज या तो अट्रैक्शन शो करेगा या तो वो रिपल्शन शो करेगा ठीक है सभी ध्यान से देखिए तो आप कहेंगे सर हम क्या करते हैं देखो दूसरी वाली जो पिक्चर है इसको देखते हैं यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव चार्ज है क्या ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे इसलिए दूर है पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है क्या ये दूसरे को रिपेल करेंगे इसलिए दूर है तो सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है फिर आप कहोगे सर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है ये अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो बेटा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं तो अभी तक तुम्हें कुछ नहीं पता चार्ज वार्ज क्या होता है बस इतना समझ के चलना कि चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है या तो अट्रैक्ट होने का या तो रिपेल होने का किस एक्सपेरिमेंट से पता चला जब आपने ग्लास रॉड को रब किया था किसके साथ सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई थी सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो गई थी बात सबको समझ आ गई फिर आपने कहा सर मैंने बिल्ली को पकड़ा जो घर में घूम रही थी उसको मैंने यहां पे प्लास्टिक रॉड से उसके फर से रब किया तो क्या देखने को मिलता है मुझे मुझे यह मिलता है कि बेटा प्लास्टिक रॉड नेगेटिव हो जाती है सिल्क जो फर है वो कैसा पॉजिटिव हो जाता है आई थिंक ये बात सबको क्लियर है तो इस पैराग्राफ में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना जो बातें मैंने तुम्हें बता दी वो तुमको बिल्कुल अच्छे से समझ जानी है याद कर लेनी है दिमाग में बिठा लेनी है वही सारी बातें यहां मैंशन है क्या सबको बात समझ आ गई कोई कंफ्यूजन नहीं तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यहां से पहले भी आपको हिस्ट्री वगैरह ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है तो तुम्हारा ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया आई थिंक यहां तक की बातें सब क्लियर है कोई डाउट नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आप देखोगे यहां पर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है इसमें देखो मेन चीज क्या बोली गई इसमें बोला गया कि हमारे पास बेटा जो यहां पर देखिए सबसे पहले कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया गया देखो इट वॉज कंक्लूडेडर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्कवर हुए अभी positive, किसने नाम दिया था उस पर एक सवाल है वो हम आगे देखेंगे किसने इसका नामकरण किया था पॉजिटिव कि कौन होगा कौन होगा इस पर सवाल है लेकिन अभी के लिए बस इतना देखो कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आप कहते हो सर एक्सपेरिमेंट ने यहां पे जो पिथबॉल का क्या सजेस्ट किया दो तरीके के हमें इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रीफिकेशन मिलते हैं या तो लाइक देखो यहां पे ये क्या दिख रहा था दो पे जब पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज था तो पिथबॉल दूर जा रही थी और दोनों पे जब अपोजिट नेचर का चार्ज था वो ने पास आ रही थी तो क्या दिखता है तुम्हें कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं इतना ही पढ़ना है बाकी तुमको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई इन्हीं लाइन से बाकी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया ठीक है आगे बढ़ जाए इसके बाद देखिए ज्यादा कुछ है नहीं वो सब मैंने जो पढ़ा दिया वही सब दे रखा है इसमें इसमें तुम्हें मेन चीज क्या देखनी है आगे चलते हैं हाँ देखो ये कई बार आपको ना पूछा भी गया मैं बता देता हूं चार्जेस व नेमड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रेंकलिन तो बेंजामिन फ्रेंकलिन ने जब यह बोला कि चार्ज को पॉजिटिव कहो negative, नेगेटिव कहो उसके बाद से बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आया आप ये बोलोगे अगर बेंजामिन फ्रेंकलिन यह कहता पॉजिटिव को नेगेटिव कह देता नेगेटिव को पॉजिटिव कह देता तो वो भी सही होता तो जो बात उसने स्टार्टिंग में कह दी कि इसको पॉजिटिव कहो इसको नेगेटिव वही हम मानते आए हैं ठीक है वो कुछ और कहता था हम वो मान लेते हैं सबको बात समझ आ गई तो यहां पे बेटा इसका नाम भी थोड़ा सा दिमाग में रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बोली थी कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव डिफाइन कर दिया था क्लियर हो गई बात आगे बढ़ जाते हैं अब बेटा ये भी कहा जा सकता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव को आप क्या करते हो ऐड करते हो तो आप बोलेंगे इनका जो सम होगा वो जीरो होगा क्लियर है सबको ये बात अच्छे से तो बेटा यहां तक का पार्ट सिर्फ इतना ही है इसमें ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है यह वाला पैराग्राफ सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बेटा इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अब मैग्नेटिज्म तुम्हें अभी नहीं पढ़ा है तो इसको अभी के लिए क्या कर दोगे लीव कर दोगे जब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद इस पैराग्राफ को समझ में आएगा अभी कुछ समझ नहीं आएगा तो इसको अभी के लिए क्या कर देना लीव कर देना चलिए बहुत बढ़िया आगे आ जाते हैं अब बेटा जो अगला पार्ट है हमारा वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पूरा समझना है समझने के बाद जो मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करूंगा वो लर्न करने आप कहोगे सर एक सिंपल एपरेटिस होता है ठीक है ध्यान से देखो एक सिंपल एपरेटिस होता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सर ये किसका बना होता है कैसा होता है क्या करते हैं तो बेसिकली आपका ना चार्ज का बेसिकली नेचर भी कह सकते हो पता करने के लिए या फिर हम कहते हैं बेटा यहां पे आ, क्या बोलते हैं डिटेक्ट चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर आप किसी भी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करना चाहते हो कि है या नहीं तो बेटा इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो वैसे तो यहां पे बोला गया कि आप इसको घर पे बना लो लेकिन मुझे नहीं लगता आप घर पे बना पाओगे बट तुम इसको समझ लो कि ये क्या बोल रहे हैं ठीक है ध्यान से देखिए आप कहेंगे सर हमारे पास सबसे ऊपर क्या ऊपर क्या देखो एक मेटल की नॉब है क्या लगी हुई है गोल गोल करके एक नॉब है फिर देखो एक रॉड है वो भी किसकी है बेटा मेटल की है नीचे जाती है और नीचे देखो किसकी पत्तियां हैं गोल्ड की पत्तियां हैं गोल्ड लीव्स और वो गोल्ड लीव्स बेटा नीचे की तरफ बिल्कुल एंड पार्ट पे कनेक्टेड है ध्यान से देखो अगर मैं इस के नॉब के साथ किसी पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाके टच कर दू ध्यान से देखना अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड को टच कर दू क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज बेटा इस नॉब से इस रॉड से किसमें चला जाएगा इस गोल्ड लीफ के अंदर तो ऊपर से चार्ज पास होता 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 लीफ तक चला गया अब दोनों लीव में अगर सेम चार्ज होगा तो तुमको तो पता ही है सेम चार्ज चार्ज क्या क्या करते हैं रिपेल तो ये लीव्स हो जाएंगी कर जाएंगी एक्सपैंड कर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपैंड करेंगी क्या ये बात सबको समझ आ गई तो बेसिकली तुम ये बोलोगे अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तुम पता करना चाहते हो किस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं तो तुम उस बॉडी को इस नॉब को टच कराओगे इस नॉब को टच करने के बाद अगर ये लीव्स आपकी स्प्रेड आउट होती हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ है ये बात सबको समझ आई तो बेटा चार्ज डिटेक्ट करने के लिए इस इस इंस्ट्रूमेंट का का डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें देखो सारा का सारा मेन पॉइंट दे रखा है यहां पूरा पढ़ लो एक बार और इसमें हाईलाइट भी कर लेना ठीक है देखिए यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड अभी देखा आपने हाउस इन अ बॉक्स विद टू गोल्ड लीव Attached to the bottom end. नीचे जाके दो गोल्ड लीव कटेड होती है मेटल नॉब से फिर देखिए मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड चार्ज फ्लोज ऑन द लीव एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज द इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट मैंने इसीलिए की है ध्यान से देख लो क्लियर है सबको यह बात इसके बाद बेटा जो इसकी वर्किंग है वो मैंने पूरी समझा दी है तो यहां से तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो यहां से लेके यहां तक की बातें ऑलरेडी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना तो आप देख सकते हो सर इसका एक और अपरेटिस बना रखा है ऑफ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप तो यहां पर आप रॉड को लागे टच करोगे चार्ज आप देख सकते हो यही सिंपल सा स्टेप है आई थिंक सबको समझ आ गया ठीक है तो यहां तक की भी जो बातें हैं ना बेटा पूरी पूरी आपको कुछ नहीं पढ़ना यहां तक भी आप लेफ्ट ओवर कर सकते हो मेन मेन वही समझाया है जो मैंने आपको यहां पे बातें बताई हैं क्लियर है सबको मेन चीज क्या है देखो यहां पे मेन चीज आपको यहां पे शो की गई है नीचे टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू एड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज वेन वी से दैट बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज मतलब क्या है समझिए आप कहते हो सर कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है ध्यान से सुनना किसी भी बॉडी को चार्ज कब कहा जाता है जब उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज होगा मतलब जैसे अभी आपने ग्लास रॉड को मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया मुझे कोई क्लॉथ नहीं दिख रहा ठीक है समझ लेते हैं यहां पे इमेजिनरी एक सिल्क क्लॉथ है उसके साथ रब किया तो क्या होगा बेटा ये जो ग्लास रॉड है ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज सिल्क रॉड कैसी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज तो ये चार्ज क्यों हो रही है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इस रॉड से निकलकर सिल्क पर चले गए कुछ इलेक्ट्रॉन इस रॉड से निकलकर सिल्क पर चले गए तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गई और बेटा रॉड पॉजिटिवली चार्ज तो इसको सिर्फ इतना समझो कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है जब कोई चार्ज बेटा वहां पे ट्रांसफर होता है कोई इलेक्ट्रॉन किसी से निकल के दूसरे पे जाएगा ऑटोमेटिकली वो उस बॉडी को निगेटिव कर देगा खुद पॉजिटिव हो जाएगा आई थिंक बात समझ में आ गई ठीक है आगे देखिए इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है ये सारी बातें एक चीज और देखना बेटा आपको यह समझना पड़ेगा कुछ बॉडी तो ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो अपने चार्ज को दे देती हैं लेकिन कुछ ऐसी बॉडी होती हैं जो चार्ज देती ही नहीं है ठीक है तो आपको यह समझ के चलना है कुछ बॉडी लूज कर देंगी कुछ बॉडी नहीं देंगी आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर है तो पॉजिटिवली चार्ज बेटा किस बॉडी को बोलेंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी नेगेटिवली सॉरी हाँ और जो बॉडी गेन कर लेगी उसे नेगेटिवली चार्ज कहेंगे आई थिंक ये बातें क्लियर है तो ये दोनों अंडर अंडरलाइन कर लेना ऑलरेडी तो वही सब बता रहा है, जो हमने पहले देखा है तो ज्यादा में में नहीं है आगे आ जाते हैं बेटा कंडक्टर एंड इंसुलेटर आई थिंक यहां तक की बातें सबको समझ आ गई अब तुम ये क्लास टेंथ से पढ़ते आ रहे हो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास टेंथ से तुम कंडक्टर इंसुलेटर ही तो पढ़ रहे हो तो तुम्हें यहां पर ज्यादा कोई डाउट नहीं आने वाली राइट मीनू कह रही आज टाइम का पता ही नहीं चला अच्छा नाइन थर्टी लग रहा था क्या ऑल राइट चलिए तो बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी देख लीजिए तो देखिए बच्चा पार्टी मैं आपसे क्या कह रहा हूं क्लास टेंथ में आप कंडक्टर इंसुलेटर ऑलरेडी पढ़ चुके हो कई बार अब इस सेशन में जो मैं आपको बताने वाला हूं ना ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं है ना आई थिंक सभी बच्चे लाइव हैं तो बहुत बढ़िया मुझे काफी स्टूडेंट्स अभी दिख रहे हैं सबसे पहले बच्चों मेरे को एक चीज बताइए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी टू टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर आपने देखा होगा जो हमारी ह्यूमन बॉडी है अगर आप कहीं पर किसी तार को छू लेते हो तो बेटा उस तार में जो करंट होता है ना वो आपकी चार्ज होता है वो आपकी बॉडी से पास करता हुआ अर्थ में जाता है इसीलिए आपको झटका लगता है आपकी बॉडी से वो पास करता है तो आपकी बॉडी में जब चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी भी कंडक्टर है मतलब कंडक्टर होता क्या है कंडक्टर वो बॉडी होती है जो बेटा अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करना अलाउ करती है क्या मैं ये कह सकता हूं तो आप बोलेंगे सर मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है अगर इसमें से चार्ज फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर कहलाएगी क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बहुत बढ़िया जी जनाब हेलो सर लेट हो गया मैं भी कोई बात नहीं आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर है तो देखो ऊपर की जो पढ़ाई वढ़ाई करा रखी है ना कंडक्टर इंसुलेटर ज़्यादा मत पढ़ना जो लाइनें में हाईलाइट कर रहा हूं वो सिर्फ देखना तुम तो, आगे देखिए दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन दैट आर कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इन द मटीरियल मैं आपको एक बड़ी खास बात बताता हूं ध्यान से सुनना इस कहानी को छोटी सी कहानी है लेकिन कंडक्टर को बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें दिमाग में क्लियर करेगी अभी जो रूम टेम्परेचर है जिस रूम में तुम बैठे हो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, है, के लिए छोटे से एटम के लिए बहुत ज्यादा होता है तो उसी रूम टेम्परेचर पे वो एटम क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेता है इस हीट से जो रूम टेम्परेचर की है और बेटा फ्री होने के बाद ऐसे बिलियंस ऑफ एटम होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इस इस कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स इधर-उधर भाग रहे होते हैं है ना तो बेटा ये बोला भी गया है कि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी कंडक्टर को आप देखते हो आपको ऐसा लगेगा कि बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक महासागर है एक एक बहुत बड़ा महासागर है इलेक्ट्रॉन्स का जो आपको देखने को मिलेगा राइट right? यस yes. तो मुझे दिख रहे हैं काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि बच्चा बार्टी ध्यान से सुनिए तो बेसिकली आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि सर जो हमारे कंडक्टर होते हैं ठीक है ठीके? ये क्या करते हैं बेटा ये अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो मूव भी कर पाएगा आसानी से लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं छोड़ते वो जहां पे है वहीं रहता है तो बेटा यहां ध्यान से देखिए तो पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं मेटल हो गए ह्यूमन हो गए एनिमल हो गए एनिमल बॉडी हो गई अर्थ हो गई ये सारे के सारे कंडक्टर कहलाते हैं राइट right? ये सारे के सारे कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मूव रैंडम यस बहुत बढ़िया इसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जैसे ग्लास हो गया ठीक है ग्लास हो गया पॉर्सिलीन प्लास्टिक तो ये बेटा नायलॉन वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम तो इनमें बेटा आपको क्या मिलता है मेरी अगर आपको छोटी दिख रही है एनसीईआरटी थोड़ा बता दो जूम अप कर देता हूं एनसीईआरटी अगर छोटी दिख रही है जूम अप कर देता हूं आप अपनी एनसीईआरटी पे निकाल के रखो ठीक है ध्यान से देखिए तो आप कहते हैं सर इनको क्या कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं ठीक है आई थिंक यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई अब आप कहोगे सर चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर कैसे होता है आई थिंक ये बातें सब पढ़ रखी हैं तो ये सब तो इसको आप हटा दो वैसे भी आपको दिख रखा है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा डिस्कस होगा तो इसको आगे ही देखेंगे ठीक है बहुत बढ़िया वैसे तो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर तुम चार्ज को डालोगे ठीक है तो वो चार्ज क्या करेगा सबसे पहले जो चार्ज आपने डाला है वो क्या करेगा बेटा एक तो रिपेल करेगा एक दूसरे को देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा रिपेल तो रिपल्शन की वजह से ये मैक्सिमम दूरी पर सेटल होने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम दूरी पर तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये चार्ज अगर यहां पे है तो दूसरा चार्ज कहां जाएगा मैक्सिमम अपोजिट एंड पे ठीक है तो ये क्या करेंगे बेटा अगर किसी कंडक्टर पे दो चार्ज को रख दोगे तो देखो कैसे वो आ गए अगर यहां तीन चार्ज को रखोगे तो तीनों बेटा मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके बीच में क्या होगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा ठीक है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब हम आगे भी देखेंगे ऑलराइट राइट चलिए बहुत बढ़िया तो यहां तक के पॉइंट्स सबको क्लियर है इसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी है दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल टेल्स वाई नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉमिक ड्राई हेयर ऑन रबिंग बट अ मेटल आर्टिकल अ स्पून डज नॉट बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने घर में कौन सा अपने स्कूल में किया होगा वो कहते हैं ना कि हम क्या करते थे एक कॉम होती है कॉम को ऐसे मतलब कहते ना या स्केल को स्केल को अपने ड्राई बालों में सूखे हुए बालों में रब करते थे गीले नहीं होने चाहिए बाल ठीक है तो सूखे हुए बालों में जब आप रब करते थे उसके बाद आप जब पीसेज और तो पेपर को बेटा वहां लाते थे तो वो उच्चिपक जाते थे उससे अब पता है बच्चों के दिमाग में क्या क्वेश्चन होता है बच्चे सोचते हैं सर कि चलो ठीक है ये तो समझ में आ रहा है कि मान लेते हैं कि ये जो रॉड है यहां पे क्या हुआ कि बेटा इसने ये मतलब मान लेते हैं प्लास्टिक है ना तो प्लास्टिक रॉड क्या करती थी याद करो प्लास्टिक रॉड प्लास्टिक रॉड भूल गए नेगेटिव नेगेटिव याद आया कि नहीं चलो छोड़ो याद ही कराते हैं प्लास्टिक रॉड कैसी नेगेटिव इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन तो आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी कैसे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चे समझ नहीं पाते पीसेज ऑफ तो पेपर अट्रैक्ट कैसे हो गए सर हमारे उससे स्केल से ध्यान से सुनना बेटा इस बात को अब मैं आपको समझाने वाला हूं यहां पे बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को कि किस तरीके से किस तरीके से लेटर सपोज बेटा ये आपकी स्केल है ठीक है आप कहते हो हमने क्लास में सर ये एक्टिविटी की है कितने बच्चों ने की है बताना मुझे चैट में कितने बच्चों ने क्लास में इंप्रेस करने के लिए दोस्तों को दिखाने के लिए कि देखो मैं जादूगर हूं बचपन में ही जरूर किया होगा कि ऐसे स्केल करके बेटा चिपका के चार दोस्तों को जरूर दिखाया होगा कि देखो मैं कैसे चिपका रहा हूं ठीक है ऐसे भले ही मजाक मजाक में किया हो पर किया जरूर होगा आई थिंक मुझे पता है कुछ बच्चों ने तो किया है मैंने क्या है मीनू कह रही है संजना कह रही है के सलोनी ओके ओके छाया ने भी किया है बहुत बढ़िया बेटा ध्यान से देखिए मैं कह सकता हूं बेटा जो मेरे पास स्केल है ध्यान से देखो यहां पे जो मेरे पास स्केल है यहां पे अगर ये पीसेस ऑफ पेपर मैं यहां पे रखता हूं अब मुझे एक बात बताओ ये स्केल कैसी है बेटा ये स्केल है नेगेटिवली चार्ज ठीक है आपने जब बालों से रब किया मैंने अभी सिखाया था तुम्हें कि प्लास्टिक प्लास्टिक पे कैसा चार्ज आता है नेगेटिव और दिमाग में रखना बेटा ये बात को ठीक है तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिवली चार्ज है मान लो कैसी स्केल सर ये जो पीसेज ऑफ तो पेपर है आपसे कहूं बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज अब आप कहते हो सर अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरफ एलोकेट हो जाएगा और अगर वो एलोकेट हो जाएगा बेटा तो वो क्या करेगा ये जो स्केल है इसको बीच से हटा देते हैं ठीक है ये जो स्केल है और बेटा ये नेगेटिवली चार्ज चार्ज है है पॉजिटिवली क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कुछ चार्ज है क्या आ गया? दूर आ गया. तो आप कह सकते हो इनमें भी ये हमारा नीचे कैसी बॉडी है न्यूट्रल बॉडी ऊपर कैसी है सर ये भी न्यूट्रल है ऊपर तो वाली तो इनमें भी क्या हो गया अट्रैक्शन हो गया या आपको बेटा आगे मैं पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा कि जो चार्जेस पास में होते हैं वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो चार्जेस दूर होते हैं वो ज्यादा मतलब कहते हैं कम रिपेल करेंगे ठीक है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा इनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो कम होगा क्योंकि वो दूर हैं तो क्या मैं कह सकता हूं इनका जो नेट फोर्स आने वाला है दैट विल बी अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से आप कह सकते हो यहां पे स्केल क्या करेगी पीसेज ऑफ पेपर को ऊपर उठा लेगी लिफ्ट करा देगी ठीक है तो आई थिंक ये बात थोड़ी बहुत तुम्हारे दिमाग में गई होगी किस तरीके से स्केल पीसेज ऑफ पेपर को उठा लेती है वो बल्कि न्यूट्रल होते हैं तब भी आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई चलिए प्लेसमेंट स्टेटस इन सी एस सी ऑल राइट चलिए बहुत बढ़िया अब देखिए बच्चा इससे थोड़ा आगे चलते हैं क्या मैं ये कह सकता हूं आप सभी को यहां पर देखो आप फोकस किस पे करना कोई अगर स्पैम वगैरह कर रहा है कुछ कर रहा है तो उस पर इग्नोर कर देना यहां पे देखना सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं देखिए ठीक है ये ये तो पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक कोई डाउट की बात नहीं अब देखो आप कहते हो जो हमारे घर में वायरिंग होती है वैसे अर्थिंग वाला केस आपको यहीं दे दिया ये थोड़ा आगे दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी अर्थिंग क्या होती है देखो आपने घर में देखा होगा कि आपके जो स्विच बोर्ड होता है उसमें तीन वायर होते हैं मतलब ऐसे तीन प्लग टाइप के होते हैं एक ऊपर न्यूट्रल होता है लाइव होता है ठीक है ना दे रखा है देखो पे लाइव न्यूट्रल अर्थ ठीक है ना तीन एक तरीके से आपके पास वो प्लग इन करने के लिए होते हैं सो बेसिक बेसिक आपको पता है अर्थ वाला क्या होता है कि अर्थ के अंदर चार्ज को वो भेज देता है एक्सेस चार्ज को ठीक है तो आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो बाकी इसमें ज्यादा अभी घुसने की जरूरत नहीं है यहां तक के पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गए तो एनसीईआरटी को उतना ही पढ़ो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि वहीं से आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि इस एनसीईआरटी में मेन मेन पॉइंट्स क्या मेंशन है आगे आ जाते हैं बेटा इस टॉपिक पे तो ये जो देखो आपको यहां पर दिया हुआ है ये आप सिर्फ रीड करने के लिए कर सकते हो बाकी इसको लीव भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब आते हैं अगला बेटा जो पार्ट है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी समझेंगे बड़े शानदार तरीके से अभी मैंने आपको जो स्केल वाला एग्जाम्पल दिया था स्केल ने क्या किया था देखो थोड़ा बहुत अभी मैं इसको समझाने के लिए एक काम करता हूं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं जो स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक है ध्यान से देखिए आपको ना यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है सर, हमारे पास देखो दो दो पे क्या है? दो हैं? हैं हैं, बॉल्स हम कह सकते ठीक है, कैसी है पॉजिटिवली चार्ज। आप जैसे ही मैं पहले वाले पिथ बॉल के पास में पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाता हूं क्या होता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज से बेटा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है तो यहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब आप देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज आप रॉड पे लेके आए वो पिथबॉल से दूरी पर जाएगा दूरी पर और दूरी पर जाने की वजह से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपकी बी वाली बॉल पर जाके स्टोर हो जाएगा बी वाली बॉल के ऊपर जाके बेटा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ध्यान से देखिए तो मैं कह सकता हूं बेटा अभी ये पूरी की पूरी पिथबॉल कैसी हो गई है नेगेटिवली चार्ज और पूरी की पूरी आपकी जो बी बॉल है बेटा ये कैसी हो गई है पॉजिटिवली चार्ज आई थिंक यहां तक की बातें सबको समझ आ गई इसके बाद देखिए बच्चा आप बोलेंगे सर अगर मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं क्या यह बोला जा सकता है बेटा ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ध्यान से देखना इस स्टैंड से अर्थ में कोई चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि इंसुलेटिंग है तो आप कहेंगे सर यहां पे देखो पूरा नेगेटिव आ गया इस पर पूरा पॉजिटिव आ गया इनको जैसे ही अलग कर दोगे बेटा ये कैसी हो जाएंगी चार्ज हो जाएंगी तो आपने देखो चार्जिंग पहले कैसे की थी कॉन्टैक्ट में लाके जब आपने रब किया था ग्लास रॉड को वुल के साथ चाहे कैट फर के साथ आपने प्ला, वो प्लास्टिक रॉड को रब किया हो तो तो उस केस में तो आपने कॉन्टैक्ट किया था यहां विदाउट कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने क्या किया बेटा दो बॉडीज को चार्ज आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई तो बेटा इसके अंदर आपको जो मेन मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो नीचे ही आते हैं है ना तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया नीचे देखिए इन दिस प्रोसेस द मेटल्स फेयर विल ईच इसको थोड़ा जूम अप कर देते हैं हाँ इन दिस प्रोसेस द मेटल विल ईच ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिस इज चार्जिंग बाई इंडक्शन तो आप कहेंगे जैसे ही उन उनप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा किस वजह से आएगा चार्जिंग बाई इंडक्शन से ओके सर प्लीज पीवाई क्यूज अलग पेन से हाईलाइट करवा दो पीवाई क्यू कहां हो रहे हैं <laughs> ठीक है चलिए आ जाइए इसके बाद देखो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट आई थिंक यहां तक की बातें सब बच्चों को समझ आ गई तो हमने बोला क्या बेटा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने अपना चार्ज लूज नहीं किया लूज नहीं किया क्योंकि वो तो दूरी पर थी ठीक है क्लियर है ये बात क्लियर हो गई बात तो बेटा इसके बाद देखो बाकी सब पॉइंट्स आपके मेन मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बिट्स ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट करती थी राइट राइट याद है सबको चलिए बहुत बढ़िया आगे आ जाइए बेटा ये सेम एग्जाम्पल दे रखा है इसमें देखो डिफरेंस क्या है इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है पिछले वाले केस में आपने क्या किया था इनको सेपरेट किया था ठीक है इस वाले केस में बेटा क्या करेंगे एक ही बॉल को रखेंगे लेकिन इस बार उसे अर्थ कर देंगे ग्राउंड कर देंगे ठीक है तो क्या होगा जो बेटा यहां पे नेगेटिवली चार्ज रॉड आई है नेगेटिव चार्ज सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा तो ये जो बेटा आपकी पिथ बॉल है कैसी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज तो यही हमारा पर्पस है हम क्या कर रहे हैं इंडक्शन से चार्जिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे इंडक्शन की मदद से मतलब मेथड ऑफ इंडक्शन से बेटा पे बॉल को चार्ज कर कर रहे रहे हैं तो ग्राउंडिंग में कर रहे हैं इस बार हमने ग्राउंड कर दिया पिछली बार हमारे पास दो बॉल थी तो एक बॉल को अलग कर दिया था सिर्फ वही केस है ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ध्यान से देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए चार्ज के बारे में एक एक करके सबको डील करेंगे लेकिन बिफोर दैट आप देख सकते हो आ, हमें पता है दो तरीके के चार्जेस होते हैं कैसे कैसे बेटा एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव देयर इफेक्ट टू कैंसिल आपको पता है एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर देता है कैंसिल कर देता है तो मैं ये कह सकता हूं बेटा दो आपके चार्जेस हो गए अपनी एनसीआर में ना मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट जरूर कर देना क्योंकि मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स सारे बता रहा हूं जो चीज आपकी इरेलीवेंट है हटानी है वो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूं तो आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है आगे आ जाइए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस आप कहते हो चार्ज क्या करते हैं बेटा एडअप हो जाते हैं राइट right? क्या कहेंगे चार्ज क्या करते हैं बच्चा एडअप हो जाते हैं तो आप कहोगे चार्ज कैसे एड होते हैं सर सिंपल बताते हैं देखो अगर आप कहते हो सर किसी बॉडी के ऊपर देखो यहां पे कितने चार्जेस हैं एक बॉडी है एक सिस्टम है जिसके ऊपर एन चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू थ्री क्यू तो सारे के सारे चार्जेस को ऐड कर दो तो आप कहोगे कि सर किसी पर पॉजिटिव प्लस फाइव क्यू का चार्ज है ठीक है उसी के ऊपर आपने माइनस थ्री क्यू का चार्ज दे दिया नेट चार्ज कितना हो जाएगा दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास कितना आ टू क्यों का चार्ज तो बेसिकली चार्जेस क्या होते हैं डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं जैसे 1 +2 +3 होता है तो आप नंबर्स को ऐड करते हो यूजुअली आप कहते हो चार्जेस भी इसी तरीके से एडअप हो जाते हैं आगे आ जाइए चार्जेस इज कंजर्व सर चार्जेस कंजर्व का मतलब क्या होता है कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं करते अगर कोई बेटा आपके पास यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम है ध्यान से देखिए आप कहेंगे सर अगर कोई मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है मान लो मैं बेटा आपको एक सिस्टम दिखाता हूं ध्यान से देखना यहां पे मान लो मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूं इसके अंदर से चार्ज बाहर नहीं जा सकता इस बाहर से चार्ज इसके अंदर नहीं आ सकता तो अगर बेटा यहां पर मैं चार्ज कहता हूं कि टेन ई e का है तो टेन ई e का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अंदर ही बाहर नहीं जा सकता इसी को कहते हैं आइसोलेट करना ही बाहर से चार्ज अंदर आ सकता है तो बेटा ये टेन ई का चार्ज नाइन ही नहीं होगा 9.5 ही नहीं होगा कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा जितना है उतना ही रहने वाला है ये कहते हैं सिस्टम तो है आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर है क्लियर हो गए पॉइंट्स मेन मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इसमें ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड द क्रिएशन तो आप कह सकते हो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है दोनों को एड करोगे तो क्या हो जाएगा आप कहोगे सर उनके जुड़ने से नलीफाई हो जाएगा चार्ज तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा सो so बेसिकली वो किस वजह से हो रहा है क्योंकि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव चार्ज है तो तुम्हें ये समझना है कोई सिस्टम से बाहर नहीं गया चार्ज कोई सिस्टम से अंदर नहीं आया चार्ज ठीक है तो उस कंडीशन में चार्ज नलीफाई कब हो रहा है जब पॉजिटिव नेगेटिव है अदरवाइज चार्ज कंजर्व ही है आप बोलोगे चार्ज तो कहीं बाहर नहीं गया ना अंदर हुआ ना खत्म हुआ बेसिकली नलीफाई हुआ ठीक है आगे देखते हैं बहुत बढ़िया अगर कोई डाउट हो पूछ लेना मेरे से ठीक है कोई डाउट है क्या यस सर यस सर यस सर ऑल राइट अगला पॉइंट है बेटा क्वांटाइजेशन इसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है पता नहीं क्यों और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चार्ज कैसा होता है बेटा क्वांटाइज होता है क्वांटाइज का मतलब क्या सर देखिए ध्यान से आप कहेंगे जैसे आपने कभी ऐसा हो कैरम खेला होगा कैरम भी नहीं चलो क्रिकेट खेला होगा ठीक है ऐसे तो काफी सारे गेम्स हैं क्रिकेट ही ले लेते हैं इमेजिन करो मैं आ, आप मेरे से स्कोर पूछो सर कि इंडिया अभी खेल रही है कितना स्कोर है मैं आपसे कहता हूं इंडिया या फिर ऐसे मान लो कि इंडिया जीत चुकी है खेल चुकी है कोई गेम ठीक है मैंने कहा बेटा आपको इंडिया दो रन से जीत गई क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे बताओ चैट में बताओ क्या मैं आपसे कहूं कि इंडिया 250.6 रन से जीत गई आप मेरी बात पर विश्वास करोगे कि नहीं सपना कह रही है क्लियर बताइए <laughs> बताइए बता चार्ट में बताइए नो no, बच्चे कह रहे नहीं सर नहीं करेंगे विश्वास गलत बात सर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज बहुत बढ़िया संजना ने में, डिटेल में लिख दिया नो नेवर 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 नो आप कहेंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पॉइंट छ रन लिया जाए मतलब आधा पिच से थोड़ा सा आगे जाके बैट्समैन कहे यार मैं आधे से थोड़ा आगे आ गया मेरा पॉइंट सिक्स का स्कोर नोट कर लो आप कहोगे आप कहोगे चल पवेलियन में तेरे को रूल्स नहीं पता कि भैया पूरा एक स्कोर काउंट होता है तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि फिक्स कर दिया है एक वैल्यू को तो वन बेटा फिक्स हो चुका है आप कहोगे या तो रन दो होगा या तो रन तीन होगा लेकिन एक का मतलब एक तरीके से एक मल्टीपल ही होगा राइट वन का मल्टीपल ही है ठीक है तो आप कह सकते हैं बेसिकली चार्ज को क्या कर दिया फिक्स कर दिया वो इंटीजियर के मल्टीपल में कर दिया राइट आगे देखिए तो वहां तो नहीं आप बोलेंगे सर यहां पे आप बोलेंगे वन का मल्टीपल कर दिया क्रिकेट के गेम में अभी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज की ध्यान से देखो तो चार्ज बेटा किसी भी बॉडी पर कितना होगा आप कहोगे सर एक मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होती है उसी के मल्टीपल में होगा ठीक है ना उसका आधा ना उसका थ्री बाई फोर उसी के मल्टीपल में जैसे क्रिकेट में एक रन के मल्टीपल में ही होता था सारा स्कोर ऐसे यहां पे एक छोटी सी चार्ज की वैल्यू के मल्टीपल में ही सारा चार्ज होता है तो वो छोटी सी वैल्यू कितनी होती है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है दैट इज माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंटी पावर माइनस नाइनटीन कुलम मतलब इसको ऐसे समझ के चलो कि सर एक इलेक्ट्रॉन का जो तो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज है अगर मैं किसी बॉडी पर चार्ज बोलूंगा तो या तो मैं कहूंगा बेटा उस बॉडी पर टू का चार्ज है या थ्री ई का चार्ज है या फोर ई का चार्ज है या उसके मल्टीपल में ही इंटीग्रल मल्टीपल अदरवाइज मैं ऐसा नहीं बोल सकता थ्री बाई टू का चार्ज है दिस इज मैं ऐसे नहीं कह सकता टू बाई थ्री ई का चार्ज है दिस इज रॉन्ग तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ही बोलना होगा आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर है अब देखिए एक चीज और देखना बेटा देर आर अबाउट सिक्स इंटू टेन की पार एटीन इलेक्ट्रॉन इन अ चार्ज ऑफ माइनस वन कूलम सर माइनस वन कूलम का चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या सर समझ ही नहीं आया सर दिमाग के ऊपर गया देखो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं मेरे को एक बात बताओ एक चीज समझाना इसको मैं हटा रहा हूं यहां से अगर आप कहते हो कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए एक माइनस वन कूलम पे माइनस वन कूलम पे कितना चार्ज होगा तो बेटा यहां पे राइट साइड में माइनस वन को छोड़ दो वैसे नेगेटिव लगा देना यहाँ पे ठीक है माइनस वन को छोड़ दो बाकी सारी वैल्यूज को डिवीजन में लेके चले जाओ कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर सर अपॉन में चला जाएगा वन सिक्स इंटू टेन की पार बच्चे सोच रहे रहे कैसे लिख हो बेटा इसको मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए वन पॉइंट सिक्स लिख दिया रख सकते हो तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये जो वन अपॉन में वैल्यू आती है दैट वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसको दिमाग में भी रख सकते हो ये होती है सिक्स इंटू टेन की पावर एटीन इतने इलेक्ट्रॉन माइनस वन कूलम का चार्ज अपने अंदर समा के रखते हैं क्या बात सबको समझ आ गई तो माइनस वन कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे मिलेगा आपको सिक्स इंटू टेन की पावर एटीन इलेक्ट्रॉन पे ये बेटा ये लाइन बोल रही है ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए आगे देखिए आपको ये भी बोला गया बेटा कि आपके जो चार्जेस होंगे वो व, व, कितने होंगे ज्यादा बड़े नहीं होंगे छोटे छोटे होंगे तो माइक्रो में होंगे वन माइक्रो कूलम उसकी वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस सिक्स वन मिली कूलम टेन की पावर माइनस थ्री तो ये दिमाग में रखिए ठीक है

तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं मान लो आपके पास तीन प्रोटोन है आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखेंगे तीन प्रोटोन तीन पॉजिटिव चार्ज रखेंगे थ्री ई का तो आप बोलोगे यहां पे हमारे पास एक प्रोटोन का ही चार्ज बचेगा आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई कि हमने क्या कर दिया दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दो प्रोटोन के चार्ज से तो नलीफाई कर दिया तो एक प्रोटोन का ही चार्ज यहां पर रिमेनिंग रहने वाला है तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि सर यहां पर क्या होता है कि चार्ज सारा का सारा एडअप हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटोन पर पॉजिटिव जोड़ दोगे तो उनका सम होने के बाद जो चार्ज बचेगा वो आपके सिस्टम का चार्ज होगा क्लियर हो गई बात यहां तक आई थिंक सभी बच्चों को यह बात समझ आ चुकी है ठीक है बहुत बढ़िया अब इसके बाद सर ये क्या दे रखा है पूरा पैराग्राफ इसको चाहे तो रीड कर लेना चाहे मत करना मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ठीक है तो इसमें आप ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाना ठीक है ना मेन मेन मैंने आपको समझा दिया आगे बेटा आपको दो यहां पे क्वेश्चंस दे रखे हैं मैं सबको रिकमेंड करूंगा एक बार इसको रीड करके खुद से लगा लो दिस इज द ओनली होमवर्क फॉर यू ठीक है एग्जांपल है सब डिटेल एक्सप्लेनड है तो कोशिश करिए मैंने 1.5 तक पूरा डिटेल बता दिया एनसीईआरटी निचोड़ दी है कोशिश करिए रेगुलर रहने की क्योंकि इसके साथ-साथ 1.5 के बाद 1.10 तक हम आगे बढ़ेंगे ठीक है वहां तक का डिस्कशन होगा तो आप रेगुलर अपनी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसके बाद बेटा कूलम्स लॉ स्टार्ट होगा जो हम अगले सेशन में करेंगे 1.6 से लेकर 1.10 तक फिर लास्ट सेशन में पूरा चैप्टर समअप हो जाएगा क्लियर है सबको ये बात तो आई थिंक इस सेशन के साथ आपको एक लर्निंग मिली होगी मैं देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ना एक कहते न, पूरा परस्पेक्टिव दे दिया एनसीआरटी का क्योंकि एनसीआर हम पढ़ते ही नहीं है प्रॉब्लम क्या होती है फिर लास्ट में हमें यही नहीं पता होता कि कुछ ऐसी बातें थी जो एनसीआरटी में ही दे रखी थी जिनको हम जानते ही नहीं थे तो बेसिक चीजों को समझो क्योंकि यही नीट में जेई में बोर्ड में आपसे पूछ ली जाती हैं राइट सो आई थिंक आप सभी को मजा आया होगा इस सेशन के साथ तो मैं इसी सेशन के साथ आप सभी को कहना चाहता हूं अलविदा तो एक सेकेंड रुकना तो सेशन पे थोड़ा समय यहाँ पे हाँ आई थिंक सभी ने लेवलअप कर लिया है तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा पार्टी फॉर लेवलिंग आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर ली है इस सेशन के साथ कॉन्ग्रेचुलेन्स एवरी वन हेलो सर अमरिंदर कह रहे हैं आई एम न्यू हियर सानिया कह रही हैं आरती थैंक यू सर सानिया जी सर पुष्पा मी मीना ओके ऑल राइट जी सर तो ग्रेट मुझे दिख रहे हैं काफी नए नए चेहरे दिख रहे हैं काफी नए स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं बेटा रेगुलर रहिए कोशिश करिए है, है ना और इसी तरीके से इसी धमाकेदार तरीके से आपके कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग होंगे इस चैनल पे तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो इस चैनल के साथ जुड़ चुका है अब कोशिश ये करनी है बस कि जैसी शुरुआत है वैसा ही अंत है पूरी एनसीआरटी निचोड़ देंगे इसी तरीके से राइट सो थैंक यू कुलदीप कंग्रेचुलेशन ऑल लेवल अप थैंक्स 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 ऑल राइट इसी के साथ बच्चों मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारा सेशन है तो यह आपका 11 बजे जो सेशन होगा ये कैपेसिटर का वन शॉट टेस्ट में कराने वाला हूं कैपेसिटर मैंने एक बार रफली आपको रिवाइज करा दिया है चार पांच बजे वाले सेशन में और बेटा इसके बाद एक टेस्ट मैंने रखा है तो जो 2021 वाले कोई बच्चा है तो वो ज्वाइन कर सकता है कहां पर होगी सर ये वाली क्लास ये स्पेशल क्लास में होगी स्पेशल क्लास अन की होती है बेटा फ्री होती है आप ऐप को इंस्टॉल करके मेरा कोड डाल के फ्री स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लस पे या फिर आइकॉनिक पे अगर किसी पे भी आप आना चाहते हो आप मेरा कोड लगा लें रोहित जीरो वन ठीक है तो आप ज्वाइन करके अपनी प्रेपरेशन वन ईयर के साथ टू ईयर के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हो सर प्लस पे क्या होता है प्लस पे बेटा आपको एक पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है जैसे आप घर बैठ के टॉप क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ना चाहते हो वैसा एनवायरमेंट मिलता है तो प्लस पे आप, आप आ सकते हो मेरा कोड यूज करके डिस्काउंट मिलेगा आपको है ना टेन परसेंट का जो कि मैक्सिमम होता है आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर दिया जाता है जो आप ही के सिचुएशन से निकल के अभी अपने आ, कोई मेडिकल कॉलेज में है तो आपको वो हेल्प करेंगे कि अभी से आपका क्या माइंडसेट रहे किन चीजों की गलतियां आप ना करो जो उसने की थी या उसने सीखी हैं तो वो आपको हेल्प मिलती है बेटा बहुत अच्छे से तो आप आइकॉनिक पे भी ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपको एक बेटा स्टडी प्लानर भी मिलता है राइट ऑल राइट थैंक यू सो मच एनसी एन वाली का ऑल राइट चलिए ठीक है गुड गुड बहुत बढ़िया तो इसी के साथ अगर आप नीट यूजी और सीबीएसई दोनों की प्रेपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप वन ईयर या टू ईयर के प्लान के साथ जा सकते हो यू कैन यूज माई कोड रोहित जीरो वन टेन परसेंट बेटा आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली पंद्रह परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट और दो महीने आपको फ्री मिलता है और अगर आप टू ईयर के साथ जाते हो तो आपको ट्वेंटी परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट और थ्री मंथ्स फ्री मिलते हैं तो आप जरूर से बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यू कैन यूज माई कोड ऑन प्लस तो आप इसका कोड uh, यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं राइट right? और फ्री में भी क्लासेस करने आ रहे हैं आप स्पेशल क्लासेस एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए तो कर तो उम्मीद करता हूं, मैं इसका कर रहा हूं आपको टेलीग्राम पे। वैसे इसकी जरूरत नहीं है right? तो इसमें तो क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी है मैंने मेन मेन पॉइंट बताई दिए तुमने नोट कर लिए ऑल राइट तो, right, बच्चा बार्टी सभी से मुलाकात होगी फिर कल सो बाय बाय वन सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टाइमिंग पता अच्छा हाँ लाइक कर दो सब लोग ओके सभी बच्चे लाइक जरूर करें राइट सर नेक्स्ट क्लास का टाइम क्या होगा बेटा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे वहां सारे टाइमिंग्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप ज्वाइन कर जाइए ठीक है ऑल राइट आई थिंक मजा आ गया सभी को मजेदार तरीके से एंसिया हो गई राइट तो ऐसे ही करेंगे धमाका मचाएंगे फिजिक्स है तो मचाएंगे इस मंत्र के साथ अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे जरूर लेके जाएंगे तो बाय बाय वन बाय सभी बच्चों को